Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Dr. Zafar Iqbal Gundar. I am graduate of Allahabad Medical College, and after that I did my training in General Surgery, and then I done my MCPS, FCPS, and later I have done my diploma in laparoscopic surgery from Taiwan, as well as diploma in minimal invasive surgery from France, and I have done my fellowship in bariatric surgery from Belgium, and as well as I am the fellow of European Board of Surgery from Belgium. So I'm currently working in Dubai Rashid Hospital. I'm basically a general surgeon who has got training in the laparoscopy, advanced laparoscopy surgery, as well as bariatric surgery. So my privileged area is advanced laparoscopic surgery, as well as the metabolic and bariatric surgery. The severe obesity is actually the disease. You say the obesity is the mother of all diseases, and the obesity, severe obesity, is when you classify obesity into three grades. When it is gross point obesity, when BMI is 30 to 35, type 2 obesity is 35 to 40, and type 3 is more than 40 BMI, and super obesity is more than 50 BMI. So patients who develop obesity will get different BMIs, and then we stratify the patients according to BMIs as well as the medical comorbid conditions, which category patient falls, so we'll decide and give them the detailed education awareness, what procedure will suit them to give the long-term benefits of the surgery. जब स्वीर बेस्ट में पेशेंट चला जाता है बीएमआई मोर देन 40, तो उसके लिए जरूरी है कि वो कोई ना कोई अपनी इंटरवेंशन के लिए सीख करे कंसल्टेशन फ्रॉम एनी वेल नॉन वेल ट्रेंड बायरेक्ट सर्जन. जी, प्रोसीजर डिफरेंट प्रोसीजर्स के डिफरेंट एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं. वह सिर्फ एक प्रोसीजर बायरेक्ट सर्जरी में कॉमन नहीं है जो कि लोग पाकिस्तान में मोस्टली करते हैं, लाइक गैस्ट्रिक बैंड या गैस्ट्रिक स्लीव. There are many other options, like you can opt like sleeve gastrectomy. I have gained a good training from the different institutions which are all very much famous in all over the world. Pakistan mein bhi aur Pakistan se bahar international mein bhi kafi zyada hai, aur maine Dubai mein 11 saal se ye kaam kar raha hu, aur alag shukar hai usme हमारे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स बरेली सर्जरी के ऑपरेट हुए हैं, और हमारा वॉल्यूम हाईएस्ट है इन द मिडल ईस्ट. ये कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन हम उसको एडवाइस करते हैं, एजुकेट करते हैं. पहले पेशेंट डाइट कंट्रोल करे, उसके बाद एक्सरसाइज साथ करे, और एक पेशेंट को हम पूरा प्रोग्राम देते हैं, और अगर वो पेशेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं कुछ सर्टन नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं कि वो अपने वेट मैनेजमेंट जो डाइट से और एक्सरसाइज कंट्रोल करें. कुछ सर्टन पेशेंट्स होते हैं, ए गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स व्हिच आर इवन आफ्टर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट दे कुड नॉट कंट्रोल देयर वेट. इवन सम पेशेंट्स से इवन आई ड्रिंक वाटर माय वेट इज गोइंग टू इंक्रीज. सो उन लोगों के लिए जिनके ओबेसिटी सीवियर हो जाती है और उनका कंट्रोल नहीं हो पाता एक्सरसाइज से डाइट से, उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो सर्जिकल ऑप्शंस को ऑप्ट करें. उसमें मैक्सिमम एक सस्टेन वेट लॉस होता है, मैक्सिमम गुड रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट्स. तो मैं पाकिस्तान में विजिटिंग हूँ, मैं अपने पेशेंट को अपने वेबसाइट से मरहम से कंसल्ट करता हूँ, और मुझे मरहम के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा लगा. मैंने इनको बड़ा कोऑपरेटिव पाया, और इनकी जो वर्किंग है और जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेट करते हैं, माशाल्लाह इट्स वंडरफुल. और हम क्योंकि इसमें अजनबी अपने मुल्क में बाहर से आते हैं, दूसरी दुनिया से एक्सपीरियंस लेके अपने मुल्क में सर्व करना आते हैं, मेरा से मरहम ने हमें एक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जिससे हम अपने लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी सर्विस को, अपने एक्सपीरियंस को उनके लिए ऑफर कर सकते हैं. आई थिंक सो ये बड़ी अच्छी और सबके जारी है, इस तरह से किसी को कोऑर्डिनेट करना, लिंक करना, उनको सही राह दिखाना. तो इंशाल्लाह वी विल डू आवर बेस्ट व्हाट एवर वी हैव अचीव्ड सो फार इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी वांट टू ब्रिंग बेस्ट रिजल्ट्स इन आवर होम कंट्री.